तेजी से बढ़ती जनसंख्या, फैलते नगर व उद्योग, नतीजा प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग और कचरे के रूप में उसका फैलाव दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कितना घातक हो सकता है, इसे समझना जरूरी है। लापरवाही से फेंक दिया गया ये पॉलिथीन बैग अगर यूं ही पड़ा रहा तो इसे नष्ट होने में हजारों साल का वक्त लग सकता है। ये उपजाऊ जमीन को बंजर बना सकता है और स्वच्छ जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो प्लास्टिक कचरे के ये ढेर हिमालय की ऊंचाइयों को चुनौती दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में समय समय पर अनेक प्रभावी कदम उठाए। अप्रैल 2009 में सतत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की योजना को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका आदर्श वाक्य था पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ। इसके लिए तीन स्तरों पर पहल की गई। पहला, प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग पर पूर्णता प्रतिबंध। दूसरा, पर्यावरण हितैषी विकल्प। तीसरा, प्लास्टिक कचरे के फैलाव की समस्या का टिकाऊ प्रबंधन। राज्य के पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के एक निष्ठ लक्ष्य को सामने रखा और सरकार के विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य परिषद, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया तथा एक ऐसा संस्थागत मैकेनिज्म विकसित किया जिसके अंतर्गत सामान्य नागरिकों की सतत सहभागिता के द्वारा प्लास्टिक कचरे को एकत्र करके कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाना था और फिर उसका उपयोग सड़क के निर्माण में किया जाना था। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग के नेतृत्व में ये एक अनोखी पहल है। इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा करने का फैसला किया गया। पहला चरण, एक प्रभावी रूपरेखा की रचना। दूसरा चरण, जन जागरूकता का प्रसार। तीसरा चरण, समेकन एवं टिकाऊपन विशेष बल। सबसे बड़ा लाभ हमें ये हुआ, जो जो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सॉयल जो खराब हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, साथ ही जो सीवरेज पाइपलाइन चोक हो जाती थी और जिसकी वजह से जनजीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, उन सारी चीजों से छुटकारा मिला है, निजात मिली है। सतत समाधान की संकल्पना को साकार करने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया। प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण हितैषी समाधान की खोज में पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग पहले से ही संबद्ध हो चुका था, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर विकास विभाग द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2000 पहले से ही लागू था, लेकिन ये निगम क्षेत्रों तक ही सीमित था। 49 में से 12 निकायों में ही ठोस कचरा प्रबंधन के कारखाने हैं, जबकि प्लास्टिक कचरा पूरे राज्य में एक चुनौती है। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे निपटान का उपक्रम सीमेंट की भट्टियों में करने की पहल की। बरमाना, बिलासपुर, दरलाघाट एवं सोलन की सीमेंट फैक्ट्रियों को प्लास्टिक भेजा गया। शिमला, कुल्लू और बिलासपुर की नगर निगमों द्वारा भी कुछ प्लास्टिक इन भट्टों को भेजा गया था। अभी बेहतर व अनुकरणीय समाधान की खोज बाकी है। तमिलनाडु राज्य में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका था। महसूस किया गया कि क्यों ना इस नए समाधान को आजमाया जाए। हिमाचल प्रदेश में इसका परीक्षण पहले नहीं किया गया था। अभी इसके वैज्ञानिक आधार की रचना के लिए लोक निर्माण विभाग की सहमति आवश्यक थी। अप्रैल 2009 में इसकी तकनीक को समझने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील बोस को आमंत्रित किया गया। मालूम हुआ कि इस तकनीक में सभी प्रकार के प्लास्टिक थैले, डिस्पोजेबल कप, थर्मोकोल, लेमिनेटेड प्लास्टिक पाउच, एल्यूमिनियम फॉयल, बिस्कुट, चॉकलेट व दूध आदि के पैकिंग मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है। 15 और 16 दिसंबर 2009 लोक निर्माण विभाग द्वारा
पायलट योजना के प्रदर्शन के लिए टोटू से जुबेर हट्टी एयरपोर्ट रोड के 800 मीटर लंबे टुकड़े की पहचान की गई और फिर इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सड़क के नमूनों का परीक्षण करने पर पाया गया कि ये सड़क न केवल अपेक्षाकृत मजबूत है बल्कि जलरोधी भी है। विशेष बात यह भी है कि इस तकनीक के द्वारा प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण में 35,000 से 40,000 रुपए तक की बचत होती है। पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ, इस जन जागरूकता अभियान को दो स्तरों पर चलाया जाना था। हम गांव-गांव जाके और घर-घर जाके जो है पॉलिथीन इकट्ठा करते हैं और उस पॉलिथीन को लाकर हम इको क्लब में इको क्लब के बोरी में इकट्ठा करते हैं। इसके पहले फेज के अंतर्गत दिसंबर 2009 से मार्च 2010 स्वैच्छिक कार्यक्रमों द्वारा स्वच्छ हिमाचल प्रदेश अभियान का प्रारंभ किया जाना था। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य पहाड़ी ढलानों, वन क्षेत्रों व नदी नालों आदि से प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना था। इस अभियान को प्रभावी रूप से अलग अलग जिलों में संचालित करने के लिए जिले के उपायुक्तों को नामित किया गया। राज्य में अभियान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले जिलों व हर जिले की सर्वोत्तम 3 पंचायतों व 3 निकायों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। 21 दिसंबर 2009 को धर्मशाला में अभियान का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तर के एक कार्यक्रम के दौरान 22 अप्रैल 2010 को दूसरे चरण का अभियान प्रारंभ हुआ। शिमला व कांगड़ा को सर्वोत्तम जिले घोषित किया गया तथा दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। सर्वोत्तम स्थानीय निकाय के तौर पर धर्मशाला, चंबा तथा रोहू और परवानू को संयुक्त रूप से चुना गया। उपायुक्त द्वारा मनोनीत प्रत्येक जिले की 3 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोक प्रशासन को उसकी श्रेष्ठता के लिए 2009-2010 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ये भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने प्रबंधन के नए प्रयोगों एवं प्रशासनिक कौशल के द्वारा प्लास्टिक कचरे से पूर्णता मुक्ति का मार्ग पा लिया है। पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो आने से पहले ही हमें पता था कि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है, तो इसलिए हमने अपनी जितनी पैकिंग की है वो सारी जो है पेपर बैग्स या कपड़े के बैग्स हैं उन्हीं में की है। पॉलिथीन हम यहाँ कोई नहीं लाए कि वो डिस्पोज भी ना करें यहाँ पे आके। हिमालय की वादियों में ये नारा दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहा है और प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जंग जारी है।